हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइनी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अच्छे हैं। काफ़ी दिनों बाद हम क्लास कर रहे हैं, काफ़ी दिन बाद हम कर रहे हैं। शायद जब से एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है तब के बाद से नहीं हुई क्लासेस, मुझे शायद यही याद है। फिलहाल के लिए फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा मेरे ऊपर लोड हो जाता है कि मैं नहीं कर पाती, और आप लोग की थोड़ा इसलिए नहीं हो पाती है कि प्रेजेंस भी बहुत कम रहती है। दूसरा ये है कि आप लोग को समझदार हैं और मतलब आइडिया है कि क्या करना है, कैसे करना है। सिलेबस भी काफ़ी इजी है, इस वजह से थोड़ा और गैपिंग बढ़ जाती है। फिलहाल के लिए फ्रेंड्स, मैं आपको बी ऑनेस्टली बोल रही हूँ, कोर्स तो मैं नहीं करवा पाऊँगी क्योंकि बहुत बड़ा भी है और इजी भी बहुत है। आप सेल्फ स्टडी ज़्यादा करिए, मैं आपको काफ़ी बार बोल रखी हूँ, आप सेल्फ स्टडी करिए क्योंकि मेरे कोर्स कंप्लीट कराने में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होगी। इतनी चीज़ें हैं, पॉसिबल नहीं है मैनेज करना। हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, जिस तरह से हम क्वेश्चंस आपको करवाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस सभी सब्जेक्ट के करवा सकते हैं, वो करवा देंगे। साथ ही साथ इंग्लिश और मैथ पे ज़्यादा क्वेश्चंस करवा देंगे, ठीक है? चाहे वो आप इंग्लिश और मैथ पे क्लासेस उस तरीके से ले या क्वेश्चंस करो, एक ही बात होती है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग सेकेंड सेमेस्टर की इंग्लिश की क्लासेस लिए हो, पढ़े हो, और अभी भी जो हो रही है उनसे भी आप पढ़ सकते हैं, तो उसमें भी आपके लिए ही चीज़ें आपके काम की होंगी, तो वो चीज़ आपके लिए हेल्प रहेगी। मैं आपके पेपर्स इंग्लिश और मैथ के करवा दूँगी जो प्रीवियस ईयर वगैरह हुए हैं, तो वो फिर आपके लिए हेल्प कर जाएगा अल्टीमेटली, क्योंकि लास्ट में हम एट द एंड क्वेश्चंस को ही फॉलो करते हैं, क्वेश्चंस को ही करते हैं, तो वो चीज़ें होंगी। एंड साथ ही साथ मैं जिस तरीके से मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चंस मैं खुद से खोज के करवाती हूँ, खुद के पीडीएफ्स बना के जो आपको अलग से मिलते हैं वो करवाऊँगी। तो अभी कुछ दिन हम ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे, तो आज ये पहली क्लास है जहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे, और डेली मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के रोज़ ऐसा 7 दिन होता है, तो एक दिन अलग, फिर एक दिन अलग, फिर एक दिन अलग, ऐसे करके हम आपको क्वेश्चंस में क्वेश्चंस वन बाय वन करके 20-30 20-30 करके ऐसे करवा देंगे, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। 25 नंबर में वैसे 5 आना है, और आपके उस क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से आने हैं, लिखने वाले आप लोग बना कर लिख ही लेते हैं, ऑब्जेक्टिव पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वो हम आपको करवा देंगे, ठीक है? तो मैंने यह बात आपको पूरी क्लियर बता दी कि क्या करना है और कैसे मैं करवाऊँगी। आप सेल्फ स्टडी वगैरह करते रहिए, प्रॉब्लम्स कोई है तो क्वेश्चंस के फॉर्म में अगर क्लियर हो रही तो ठीक, नहीं तो आप बता दीजिएगा, तो उसको हम आपको सोल्यूशन उतना एटलीस्ट बता ही देंगे। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शानी, सभी का स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। आइए देखते हैं कि ये पेपर हमारा जो लास्ट वाला है, शांति, शिक्षा एवं सतत विकास, इसके हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। 25 नंबर का यह पेपर है, ये एक अलग सब्जेक्ट है, ईजी है, टफ नहीं है, थोड़ा सा इसमें साइंस भी इंक्लूड है, थोड़ा सा इसमें योग वगैरह भी है, थोड़ा सा जो बड़े लोगों का ज्ञान या बातें जो होती हैं उन सब चीज़ों के बारे में इसमें ज़्यादा कहा गया है, तो उन्हें हमें जानना होगा। जो वैल्यूज़ होती है, जो सामाजिक स्तर के हिसाब से है, कुछ चीज़ें इनके बारे में है, देश का विकास, खुद का विकास, डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस बेस्ड क्वेश्चन है इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो 2013 में 13 बैच के मतलब अलग अलग 13 और 16 में आया हुआ है, शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है, शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? अलग से कक्षा की व्यवस्था, समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है, हिंदी विषय की कक्षा उपयुक्त होगी, संस्कृत विषय की कक्षा उपयुक्त होगी। शांति शिक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? आंसर बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ये पेपर में आपके आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका शांति शिक्षा के लिए आवश्यक क्या है, तो सबसे आवश्यक जो सारे ऑप्शन में सही है, करेक्ट है, वो आपका बी ऑप्शन है, समस्त विषय की कक्षा में शिक्षा। आप क्लास में समस्त विषय, जितने विषय उनके स्तर के अनुसार हों, उनको समझ में आए, 5th क्लास के बच्चे के स्टैंडर्ड की जो बुक्स हों, 10th क्लास के स्टैंडर्ड की जो बुक्स हों, उनको उसके हिसाब से, उनकी अकॉर्डिंग टू दियर एज आप उनको नॉलेज दीजिए। आप क्लास में सभी सब्जेक्ट की क्लास को चलवाइए ताकि उनकी अवेयरनेस बढ़े सभी विषयों को लेकर, तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपको ईजिली यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, ये भी आपके 16 में आया हुआ है, शांति के लिए, शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्य दृष्टिकोण और कौशलों को पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बिठाने के लिए आवश्यक है। शांति के लिए आप चाहते हैं कि एकदम पीसफुल माइंड जैसा चीज़ें रहें या इन्वायरमेंट रहे, तो शैक्षिक विकास, शैक्षिक शिक्षा के लिए नैतिक डेवलपमेंट के साथ जो वैल्यूज़ होती है, जो कौशल्स होते हैं, उनको पोषण देने और एक इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस बनाने के लिए आवश्यक क्या है,
प्रकृति और मानव जगत के बीच में अच्छा संबंध हो, विद्यालय और समुदाय के बीच अच्छा संबंध हो, और प्रधान अध्यापक और शिक्षक के बीच, शिक्षक और बच्चों के बीच। बताइए दूसरे में क्या सही होगा, ध्यान से बताइएगा। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके पेपर में बना हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप ध्यान रख लो कि यहाँ पर पोषण, कौशल, मूल्य, नैतिक शिक्षा ऐसे शब्द दिए गए। ऐसे शब्द का बच्चे और टीचर से तो कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है दूर दूर, विद्यालय और समुदाय का भी कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर जो सही है वो है प्रकृति और मानव जगत के बीच, प्रकृति और मानव जगत के बीच, क्योंकि सभी के लिए विकास अलग है, सभी के लिए कौशल अलग है, सभी के लिए पोषण अलग है। तो जब चीज़ें अलग हैं तो उसके हिसाब से प्रकृति और मानव जाति के बीच के संबंध की बात के लिए कहा गया। तो पहला ऑप्शन अगर आप में से किसी ने चूज़ किया तो सही है, दूसरा हो गया। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है, ये ऑप्शन ए होगा, ठीक है। 2016 में पूछा गया है कौन नहीं है, तो यहाँ पर बताइए न्याय नहीं है, अहिंसा एवं करुणा नहीं, मस्तिष्क का खुलापन और हिंसा एवं विवाद। तीसरे में क्या सही होगा, तीसरे का आंसर जल्दी से बताइए क्या सही होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि निम्नांकित में शांति का जो नहीं वो हिंसा और विवाद ये नहीं है, बल्कि न्याय होना चाहिए। गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए हमेशा कहा जाता है, मानवता और करुणा से परिपूर्ण होना चाहिए, मस्तिष्क खुला होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि आपके स्केलेटन दिखे, मतलब सोच विचार में आप खुले हो, आपके विचार सकारात्मक हो, जिससे आपका कल्याण हो, साथ ही साथ बहुत और लोगों का कल्याण हो। तो ये भी आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से हमें काफ़ी चीज़ें, पेपर ईजी है और ईजी भी आएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट, संप्रेषण कौशल के चरण, प्रस्तुतिकरण, सक्रिय श्रवणता, समझौता वार्ता और ये सभी, मतलब आपको कम्युनिकेशन, आपने यह डीएड फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, एक साइकिल होती थी, भेजने वाला, मैसेज, माध्यम, लेने वाला, इस तरीके से। तो वैसे ही क्या ये कौशल्स में कौन सा ऑप्शन सही होगा, संप्रेषण कौशल के अगर हम चरण की बात कर रहे हैं तो क्या सही होगा, जल्दी से आंसर करिए बताइए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपका जो राइट ऑप्शन है वो डी है, ये सभी, प्रस्तुतिकरण होता है एक प्रकार से। अब ये कौशल की जो बात है, मतलब ये संप्रेषण का मतलब ये नहीं कि वो चिट्ठी भेजने वाला ही हो, इसमें तो ऐसा लिखा नहीं है, इसमें मतलब ऐसे आप खड़े होकर बात करके बोल रहे हो, जैसे हम पढ़ा रहे तो आप सुन रहे हो, फिर बात हो रही, डिबेट हो रहा है, तो ये सारी सारी इसमें आ जाएंगी, ठीक है, समझ में आ रही है बातें। तो फोर्थ में डी होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पांचवा, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, ये कथन किसका है, डीएच पार्कर का, ओटाव का, आनबर्ग का और जे कोने का, बताइए क्या होगा। मूल्य वह है, ये मूल्य के बारे में आपके सेकेंड सेमेस्टर में भी दिया गया था, तो कुछ चीज़ें वहाँ से भी उठाई गई हैं, ध्यान रखिएगा। तो मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, तो यह कथन जो है वो आप सभी को पता होना चाहिए, इसे गुरु ने इसको पढ़ाया भी है, ये ऑर्गन ने कहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं हम MCQ तो इस तरीके से करते हैं कि हमें याद रहता है ऑप्शन देखने के बाद। नेक्स्ट आइए, सिक्स क्वेश्चन बताइए, प्राकृतिक कौशल के चरण कौन कौन से हैं, आत्मअनुशासन है, सहयोग है, अनुकूल है, अनुकूलन है, ये सभी। वैकृतिक कौशल के चरण कौन कौन से हैं, सिक्स में राइट आंसर क्या होगा, इंडिविजुअल कौशल के जो चरण हैं वो कौन कौन से हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, फिलहाल के लिए काफ़ी बढ़िया और यूनिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका ये सभी होगा, जहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन में रहना, हेल्पिंग नेचर होना, अनुकूलन अडाप्टेशन होना, समय के अनुसार चेंजेस ले आना, लोगों के अनुसार एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होना, ये एक इंडिविजुअल कौशल के चरण में आता है। तो सिक्स में डी होगा। नेक्स्ट देखिए, जीवन में शांति हेतु उपाय क्या है, उचित शिक्षा तंत्र, उचित समाजीकरण, पाठ्य सहगामी क्रियाएं और ये सभी। आपकी लाइफ में ऐसे हो कि आपको पीसफुली माइंड हो और सब कुछ अच्छा रहे, गुड गुड तरीके से, और आप अच्छे तरीके से हर चीज़ को कर पाएँ, तो क्या क्या चाहिए होगा या क्या क्या बेस्ट रहेगा, क्या आप प्रेफर करेंगे। तो सेवेंथ के लिए ध्यान रखिएगा ये सभी होगा, जहाँ पर आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी एक एक करके। फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर हो गया, जब समझ में आ रही बातें चले आगे। अच्छा आइए फटाफट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लगाइए, एट्थ क्वेश्चन है, वैल्यू शब्द का उद्भव किस भाषा से हुआ है, लैटिन, अंग्रेजी, फ्रेंच और कोई नहीं।
तो एट को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपका लैटिन भाषा से एट्थ ऑप्शन आपका सही होगा। अच्छा एक बात और बताना चाहती हूँ, एग्ज़ाम दिसंबर में ही होगा और सडनली सब कुछ होगा, तो तैयारी अगर नहीं हुई है आप लोगों की तो आप तैयारी में जुट जाइए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी ठीक है, क्योंकि फाइनल आपका है। और जिन बच्चों की एक भी बार बैक वगैरह नहीं लगी है तो मैं उनसे बहुत दिल ही आग्रह करूँगी कि आप अपने जो बच्चों की बैक लगेगी उनके रिजल्ट में बैक लिख के आएगा, ठीक है। तो अगर तीन में आप बेदाग निकल गए हो और एक में भी नहीं लगा है तो क्यों आप चाहते हो कि फोर्थ में एक फालतू में दाग लग जाए, तो वो हो ही जाता है क्योंकि उसमें लिखा रहता है बैक, ठीक है। तो कोई पढ़ता है तो ये लग जान जाता है कि बैक लगी थी, तो ये बात हमेशा से ध्यान रख लो कि ऐसा मत करो। जिनका निकल जिनका एकदम क्लियर निकला है वो अच्छे से पढ़े, जिनका नहीं भी निकला बैक लग भी गई है तो अब लग गई है तो ये कोई मतलब नहीं होता, अरे मेरे तो चोट लगी गई और लग जाए, ऐसा थोड़ी होता है। तो आप रिपेयर करते हो, पढ़ते हो, मेहनत करते हो, तो ऐसा सभी बच्चे करें, मत बच्चे परेशान हो, जो पढ़े ढंग से पढ़े, क्वेश्चंस देखें, लिखें, आंसर्स करें, ताकि उनका एक एक सब्जेक्ट तैयार होता चले कि हाँ मेरा ये तैयार हो गया, ये तैयार हो गया, ये 8 पेपर देने हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एट्थ बताइए, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है लैटिन भाषा का बना हुआ शब्द है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और 9वां देखते हैं, शांति के लिए छात्रों में किन कौशल का होना आवश्यक है। शांति के लिए किन छात्रों में किस कौशल का होना बहुत ज़रूरी, संप्रेषण का, चिंतन का, वैकल्पिक का, ये सभी का। तो अगर आप शांति सौहार्द ये सब चीज़ें चाहते हैं तो आपके अंदर संप्रेषण की बात करने की कला होनी चाहिए, आप में सोचने विचार करने का भी कौशल होना चाहिए, वैकल्पिक कौशल भी आपका अच्छा होना चाहिए, और ये सभी, तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो 9th का डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न, जीवन शैली में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विकसित मूल्य क्या है। वैज्ञानिक मूल्य, पर्यावरणीय मूल्य, दोनों और कोई नहीं। जो जीवन की शैली है उसमें जो मतलब जो एक लाइफ स्पैन होता है जो हम जीते हैं उसमें जो चेंजेस लाते हैं या चीज़ों को डेवलप करते हैं वो क्या है, वो किसके ऊपर निर्भर है या उसमें क्या चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं वो आपसे पूछी जा रही है। तो बताइए 10th में राइट आंसर क्या होगा, 10th का राइट आंसर क्या होगा। हम सभी जानते हैं 10th का एक ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, सही है, वो आपका क्या है, सी ऑप्शन, ठीक है। देखिए आज की जो ये क्लास है ये तो छोटी होगी, 15 से 20 मिनट की होगी, लेकिन अब जब आपकी मैं एक ही क्लास कर रही हूँ, मतलब एक ही सिर्फ आपके टाइमिंग मैंने चेंज किया हुआ है 7 PM पे, तो ये 7 PM पे जब क्लास होगी तो ये 7:30 तक करूँगी। आप लोग पंचुअलिटी बनाओगे, अगर आप 30 से 40 बच्चे भी डेली करोगे, 30 बच्चे भी करोगे, तब भी मैं आप लोग को आधे घंटे ज़्यादा क्लास दूँगी ताकि आपका एक मेजर सेक्शन कम्प्लीट होता चले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए तनाव प्रबंधन की तकनीकी है, ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसी सब्जेक्ट में है। इसे मैंने पहले ही बोला कि साइंस और सोशल साइंस कुछ चीज़ें मिक्स की गई हैं। सामाजिक सरोकार, व्यायाम करना, परिस्थितियों के साथ संबंध स्थापित करना और सदैव चिंताग्रस्त रहना, तनाव प्रबंधन की जो तकनीकी नहीं है वो इसमें क्या नहीं है, बताइए। डी ऑप्शन सही होगा कि ए ऑप्शन सही होगा कि सी सही होगा कि बी सही होगा। हम सभी जानते हैं कि तनाव प्रबंधन की तकनीकी नहीं है सदैव चिंताग्रस्त रहना। अगर आपको प्रॉब्लम्स है, टेंशन है, तो आप उसको रिमूव करने का सलूशन खोजिए। टेंशन में रहेंगे तो और आपका दिमाग ख़राब होगा। तो हम अलग अलग काम करते हैं, व्यवहार करते हैं, मतलब व्यायाम करते हैं, घूमने हैं या कुछ और करने लगते हैं या मन को डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, हैबिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई। हैबिटस, हैबियर, दोनों कोई नहीं। हैबिट एक शब्द, उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा का शब्द है, वो किस शब्द से हुई है। 12th का राइट आंसर क्या होगा, तो नहीं पता तो बता देती हूँ, सी ऑप्शन, हैबिटस और हैबियर दोनों शब्दों से मिलकर हुई है। नेक्स्ट देखिए, आत्म जागरूकता का प्रकार क्या है। सामान्य होती है, वैकल्पिक होती है, दोनों होती है, कोई नहीं। आत्म जागरूकता का अगर प्रकार की बात पूछी जा रही है तो वो क्या होगी। 13th का राइट आंसर यहाँ पर आप सभी को नहीं पता है तो ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, सीख लीजिए। 13 में आपका सी होगा जिसमें सामान्य और वैकल्पिक दोनों चीज़ें आएंगी, ठीक है। मतलब सेल्फ एनालिसिस रहना, एग्रेसिव टाइप से रहना, सीखना, समझना। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी, विलियम जेम्स की, थॉर्नडाइक की, दोनों की, कोई नहीं। ये भी आपके डी एड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर का है, बाल विकास का है, कुछ चीज़ें रहेंगी तो ध्यान से ज़रूर कर लीजिएगा। तो 14 अगर आप भूल गए तो मैं बता देती हूँ आज फिर एक बार, विलियम जेम्स, ठीक है। 14 में ए ऑप्शन होगा आपका करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसका कितना सही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 15 यहाँ पर पूछा जा रहा है, आदत विशिष्ट परिस्थितियों में स्वचालित अनुक्रिया है या कथन किसका है। 2016 में पूछा गया प्रश्न है, चैपलिन का है, ड्रेवर्स का है, वुडवर्थ का है और आत्मनंद मिश्र का है, बताइए। 15 में क्या होगा, आदत विशिष्ट परिस्थिति में स्वचालित अनुक्रिया है या कथन किसका है। आदत विशिष्ट परिस्थिति में
एक स्वचालित अनुक्रिया है, यह कथन किसका है? तो 15 का राइट ऑप्शन जो है वो जेम्स रेवर का है। बी ऑप्शन अगर किसी ने बताया है तो उनका बी जो है करेक्ट है। जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर ज़रूर कर दिया। क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं नहीं करने हैं, क्या रिस्पॉन्स है आप लोगों का ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। 16 देखिए, वस्तुनिष्ठ आत्मसर्वता के सिद्धांत नामक पुस्तक किसने लिखी है? चैपलिन ने, ड्रेवर ने, ड्यूवॉल और विकलैंड ने, आत्मानंद मिश्र ने। एक बुक है जिसका नाम है वस्तुनिष्ठ आत्म जागरूकता के सिद्धांत की नामक की पुस्तक किसने लिखी है? तो 16 में सी ऑप्शन सही है, ड्यूवॉल और विकलैंड ने लिखी। नहीं पता है तो जानते रहिए, 16 में सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आइए 17वां देखते हैं। आक्रमकता जो है शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? एक्रोसिया से, दोनों से, एग्रेशन से, कोई नहीं। 17 में क्या सही होगा? तो एक ऑप्शन यहाँ पर सही है, वो है एग्रेसियो से बना है। ठीक है, किससे बना है? 17 में ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आइए, चरित्र जो होता है वो आदतों का पुंज होता है, कथन किसने कहा है? सैमुअल स्माइल ने, डम्बविले ने और कार्टर वीगुड ने और एस मुंडो ने। चरित्र जो होता है वो आदतों का पुंज होता है, ये कथन किसने कहा है? तो 18 में एक ऑप्शन सही है, वो आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट चलिए 19 आइए, चरित्र विकास के स्तर कितने हैं? मूल प्रवृत्तियात्मक होता है, पुरस्कार और दंड होता है, सामाजिक, ये सभी। चरित्र विकास के जो स्तर हैं वो क्या क्या हैं? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें डी ऑप्शन होगा, जिसमें ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी और सारे ऑप्शन इसमें आएंगे। इसी तरीके से आपको कई चीज़ों को ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आइए, मोरल किस शब्द से बना है? मोरस, रीति, रिवाज, कोई नहीं। मोरल शब्द किस शब्द से बना है? रीति, रिवाज, मोरस और कोई नहीं। तो मोरल शब्द जो है मोरस से बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। आज मैंने आपके लिए 20 प्रश्न ही लिया था, यह क्लास हमारी 17 मिनट की हो रही है। उम्मीद है कि 20 में से 15 क्वेश्चन तो आपके सही ही होंगे, 5 हो सकता है आगे पीछे गलत हुआ हो। किसका कितना गलत हुआ है, क्वेश्चंस कैसे लगे, इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं, पहले के सब्जेक्ट के करने हैं, क्या चीज़ें करनी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मैं उसी के हिसाब से जिस चीज़ का पोल है, क्वेश्चन जाता होंगे, आंसर्स के रिप्लाई, उस बेसिस पे आपको कल से हम चीज़ें करवाएंगे। क्लास पसंद आए लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।